केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। जिंदाबाद जिंदाबाद, गार्डन पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसएका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसएका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड पार्टी ने की लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस मद्देनजर झारखंड पार्टी ने भी झारखंड राज्य के कई लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करने की घोषणा कर दी है। एनएसएका की अध्यक्षता वाली झारखंड पार्टी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर प्रत्याशियों की घोषणा की, जहां हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गुंज और चैबासा से चित्रसेन सिंह को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं झारखंड पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एनएसएका ने कहा कि अभी तक हुई बैठक में 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, लेकिन जल्द ही लोहरदगा खुट्टी जिले से भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि एनएसएका झारखंड के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और वह झारखंड की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में पूर्व मंत्री एनएसएका की झारखंड पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आज हम लोगों का झारखंड पार्टी के संसदीय बोर्ड का मीटिंग हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज इन लोकसभा का हम लोग आज निर्णय लिया है कि घोषणा करने का, और आज हम लोग 3 लोकसभा का घोषणा करेंगे, जिसमें हम लोगों का है चैबासा और हजारीबाग और चतरा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। बाकी जो सीट बचा हुआ उसको हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। आज संसदीय बोर्ड की बैठक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष एनएसएका जी की अध्यक्षता में हुई और हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर के जिलों पर और उत्तरी छोटा नागपुर के जिलों पर गंभीरता से विचार किया। सबसे पहले हम लोग चाईबासा से अपना उम्मीदवार चित्रसेन सिंह को, पूर्व सांसद को चयनित किए हैं, वो झारखंड पार्टी के उम्मीदवार होंगे। फिर चतरा से हमारे उम्मीदवार दर्शन गंजू होंगे, जो गोंजू भोक्ता खरवार समिति के केंद्रीय अध्यक्ष